हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और मैं फिर हाजिर हूँ कुछ नई खबरें बताने के लिए। जी हाँ, बॉलीवुड में काफ़ी कुछ नई चीज़ें हो रही हैं और फिलहाल जो मैं आज बताने वाला हूँ वो काफ़ी एक सीरियस न्यूज़ है। जी हाँ, KRK कमाल राशिद खान नाम का जो बंदा है, जो पहले कभी बॉलीवुड एक्टर हुआ करता था छोटा मोटा, अब वो क्रिटिक हो चुका है। जी हाँ, लेकिन वो तो आप जानती होंगी उनके कारनामे कितने हैं, नेगेटिव कारनामे कितने हैं। अब बड़ी बात यह है कि हाल ही में एक मुंबई बेस्ड लॉयर इतना परेशान हो गए KRK के इस फालतू चीज़ों की वजह से कि उन्होंने KRK के ऊपर FIR तक दर्ज कर दी है। जी हाँ, मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में रिजवान सिद्दीकी नाम के इस लॉयर ने FIR दर्ज की है। अब बड़ी बात यह है कि FIR अगर दर्ज करनी थी तो किसी एक्ट्रेस ने क्यों नहीं की, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सताया है। इसके अलावा हाल ही में आपने देखा होगा विक्रम भट्ट के बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है, और रिसेंटली आपने देखा होगा ऋषि कपूर को भी उन्होंने काफ़ी भला बुरा कहा। जब इस तरह की बातें वो करते हैं तो फिर इससे यही साबित होता है कि यार किस तरह के इंसान है, क्या इन्हें क्या शर्म हया कुछ महसूस होती है कि नहीं, बिना मतलब का कुछ ना कुछ किसी को भी बोलते। तो बहुत गलत था, कई बार स्टेप्स लिए गए KRK के खिलाफ, लेकिन KRK हमेशा ही उनको मतलब इस तरह से बोलते हैं यार जो करना है कर लो, जो देखना है देख लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस तरह का KRK का रवैया रहता था हमेशा कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन इस बार मुझे लगता है KRK के खिलाफ काफ़ी सख्त एक्शन होने वाला है, क्योंकि रिजवान सिद्दीकी ने जो धारा लगाई है वो धाराएं लगाई है 354, उसके अलावा जो दूसरी धारा लगाई थी जो नो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस तरह की धाराएं उनके खिलाफ लगाई गई है। अभी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। आपको मैं बता दूं, 2012 से जब से KRK ने ट्विटर अकाउंट पर अपनी एंट्री मारी है, तब से करीबन 18 जो एक्ट्रेस है, 18 एक्ट्रेस को उन्होंने काफ़ी भला बुरा कहा है। 18 एक्ट्रेस के बारे में आप अगर अश्लीलता या इस तरह की बातें करते हो तो आपको उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलने चाहिए। और आखिरकार मतलब रिजवान सिद्दीकी जो इतने परेशान हो गए KRK के रवैये से, आखिरकार उन्होंने अपना ये FIR दर्ज करवाई है मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में। अब देखने वाली बात यह है कि मुंबई किस तरह से इस मामले पर रुख इख्तियार करती है। इसके अलावा आपको बता दूँ, कुछ महीने पहले वो जो महाराष्ट्र की वुमेन कमीशन है, उन्होंने भी काफ़ी सख्त एक्शन लिया था KRK के खिलाफ, जिसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। अब देखना वाली बात है कि किस तरह से मुंबई पुलिस और जो वुमेन कमीशन वो डील करती है KRK से। लेकिन जिस तरह से अभी लग रहा है KRK को लेकर KRK की शिकायत जरूर गर्दिश में नजर आ रहे हैं। कुछ नई बॉलीवुड खबरें पता चलती थी आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए बाय।